सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव व्होज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ग्रोव का मतलब होता है पार्क या बगीचा, बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसके ब्रीथ के ट्वाइस होंगी और उसका एरिया होगा 800 मीटर स्क्वायर, और अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट द ब्रीथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि इसकी लेंथ इसके ट्वाइस होनी चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x मीटर, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका 2 टाइम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x मीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू होता है एरिया। तो यहाँ पर लेंथ है 2x इंटू ब्रेथ है x इज इक्वल टू एरिया हमें दिया है 800 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 800, तो 2x इंटू x आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पर इस 2 को हम इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2। 800 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 4 8 0 एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 400। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इस 400 को हम इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस 400 था, इस प्लस 400 को हम इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 400। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैंगो ग्रो बनाना पॉसिबल है या नहीं, तो इसके लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। बी, बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें एक्स वाली टर्म ही नहीं दी है, मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर होगा 0। और सी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म है माइनस 400। तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसमें ए बी और सी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 400। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 ही आ जाएगा तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 4 इंटू 1, माइनस 4 इंटू 1 आ जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 400 इंटू माइनस 400 है यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और 4 4 आ जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और ये 0 आ जाएंगे एज इट इज़, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1600, तो यहाँ पर आ जाएगा 1600। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा है, मीन्स ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया था 400, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो यहाँ पर हम x में से स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर रूट लगा देंगे, और इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पर भी रूट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट 400 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 20 इंटू 20 आ जाएगा 400। तो यहाँ पर 20 की पेयर बन रही है तो 20 रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू आ जाएगी 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई है, तो x को हमने लेट किया था वृत्त, तो यहाँ पर हमारी वृत्त आ जाएंगी वृत्त इज इक्वल टू 20 मीटर, और जो लेंथ है वो वृत्त के 2 टाइम्स थी, तो यहाँ पर लेंथ आ जाएंगी लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 40 220 आ जाएगा 40 मीटर।
तो लेंथ हो जाएंगी 40 मीटर और विड्थ हो जाएंगी 20 मीटर। तो हमें यही फाइंड करना था। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।